और बाबा रोज ब्रह्मा बाबा रोज वाणी चलाते थे। एंड बाबा ब्रह्मा बाबा यूज्ड टू नरेट वाणी डेली। वो खुद ये नहीं समझ सके कि ये वाणी माँ के रूप में चलाई जा रही है। He himself could not understand whether this वाणी is being narrated in the form of a mother या बाप टीचर सदगुरु के रूप में चलाई जा रही है और इन द फॉर्म ऑफ फादर टीचर सदगुरु। तो रोज सुबह और शाम माउंट आबू में शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करते थे और ज्ञानवाणी चलाते थे। सो शिव बाबा यूज्ड टू एंटर इनटू ब्रह्मा एट माउंट आबू डेली इन द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स एंड यूज्ड टू नरेट द ज्ञानवाणी दैट इज द वर्शंस ऑफ नॉलेज। कृष्ण की सोल के द्वारा जो वाणी चलाई गई वो बहुत मीठी तान वाली थी, इसलिए शास्त्रों में लिख दिया बांसुरी बजाई। द टोन ऑफ द वाणी दैट वाज नरेटेड थ्रू द सोल ऑफ कृष्ण वाज वेरी स्वीट। दैट इज व्हाई इट हैज बीन रिटन इन द स्क्रिप्चर्स दैट ही प्लेड द फ्लूट। क्योंकि बांसुरी की तान बहुत मीठी होती है। बिकॉज द टोन ऑफ फ्लूट इज वेरी स्वीट। तो शास्त्रकारों ने लिख दिया कि मुरली बजाई। So the writers of scriptures wrote that he played the flute. वास्तव में कोई काठ की मुरली की बात नहीं थी। Actually, it was not the matter of a flute made up of wood. जिस आत्मा के द्वारा जो मुरली चलाई गई, उसे कठबुद्धि कहा जा सकता है। The soul through whom the murli was played can be said to have possessed a wood-like intellect. कैसी बुद्धि? काठ की बुद्धि। What kind of an intellect? A wood-like intellect. काठ की बुद्धि माने ज्यादा समझदार नहीं थी वो आत्मा। Wood-like intellect means that the soul was not very intelligent. बच्चा बुद्धि, कृष्ण बच्चा है ना? राम बाप को कहा जाता है। Krishna is a child with a child-like intellect, isn't he? Ram is called the father. तो जितना जितना मुरली में शिव ने सुनाया, उतना उन्होंने सुन लिया। So whatever Shiv narrated in the Murli was heard by him. और दूसरे बच्चों को सुना दिया। And he narrated it to other children. उसकी गहराई क्या है? वो गहराई की बात ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में नहीं आई। What is its depth? That matter of depth did not enter into the intellect of Brahma Baba.